दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है? मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम है और जब कोई कॉल वगैरह करता है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, और आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं जिससे मोबाइल में पहले की तरह आवाज़ आने लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मोबाइल के सेटिंग में छेड़छाड़ की वजह से आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्ट वैल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये तीनों ऑप्शन लो है तो आपको फुल कर देना है, और फुल करने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे आपको साइलेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर ये ऑप्शन ऑन है तो इसे भी ऑफ कर देना है, और इसके नीचे आपको साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये भी ऑप्शन ऑन है तो इसे भी ऑफ कर देना है, यानी कि दोनों ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अगर ऑन है तो ऑफ कर देना है, और इसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का, तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपको ऊपर में चांद का लोगो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे होंगे। तो अगर आपको ऊपर में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो आपके ऊपर में जो चांद का लोगो का ऑप्शन दिख रहा होगा वो हट जाएगा, और जब आप अपने फ़ोन में इतना सारा सेटिंग कर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और जब आप इतना सारा सेटिंग कर लेते हैं तब पर भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो आपको मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे जाना है और मोबाइल को दिखलाना है, उसके बाद जो है आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।